अपूर्ण जादुई वर्ग भाग एक इनकम्प्लीट मैजिक स्क्वायर्स पार्ट वन। इस वीडियो में हम कैलेंडर में अपूर्ण जादुई वर्गों यानी इनकम्प्लीट मैजिक स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे। हेलो बच्चों, देखो आज फ्रूटी फिर से एपी से मिलने आया है और उसे कहता है, एपी मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ। इतना सुनकर तभी एपी खुश हो जाता है और उससे बोलता है, अरे वाह, क्या सच में ये सभी कैंडी मेरे लिए हैं? इतना सुनकर जवाब में फ्रूटी बोलता है, हाँ, लेकिन क्या तुम्हें याद है पिछली बार तुमने मुझे चॉकलेट के लिए कैसे चढ़ाया था? तो आज मैं तुम्हें ये कैंडीज इतनी आसानी से तो नहीं दूंगा। पहले मैं तुमसे कुछ पहेलियां पूछूंगा और यदि तुमने उनका उत्तर बिल्कुल सही दिया उसके बाद ही मैं तुम्हें इन कैंडीज को दूंगा। तो बोलो, क्या तुम पहेलियों को हल करने के लिए तैयार हो? जवाब में एपी कहता है, हाँ। इसके बाद फ्रूटी अपनी पहली पहेली पूछता है। जैसा कि दर्शाया गया है कैलेंडर में एक दूसरे क्रम का वर्ग यानी सेकंड ऑर्डर स्क्वायर है। उसके ऊपरी बाएं कोने की संख्या यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर नंबर 4 है। तो क्या तुम इस वर्ग यानी स्क्वायर में जादू ढूंढ सकते हो? बोलो। और बच्चों, क्या आप भी इस वर्ग में जादू ढूंढ सकते हैं? तभी एपी कहता है, वर्ग के ऊपरी बाएं कोने की संख्या 4 है और वर्ग दूसरे क्रम का है। इसका अर्थ है कि उसमें दो पंक्तियां यानी रोज हैं और दो स्तंभ यानी कॉलम्स हैं। इस वर्ग में 4 और 12 का योग 16 है और 5 और 11 का योग भी 16 है। इसका मतलब है कि इसके विकर्ण योग यानी डायगोनल सम्स बराबर हैं। अतः इस वर्ग में ये जादू है। और क्या तुम जानते हो कि एक कैलेंडर में दूसरे क्रम के सभी वर्गों के विकर्ण योग बराबर होते हैं? फ्रूटी, अब मैं तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। इस वर्ग को ध्यान से देखो। इसमें तुम देख सकते हो कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ का योग समान नहीं है, इसलिए यह एक अपूर्ण जादुई वर्ग यानी इनकम्प्लीट मैजिक स्क्वायर है। तब फ्रूटी कहता है, बिल्कुल सही। चलो अब देखते हैं कि क्या तुम मेरी अगली पहेली को भी हल कर सकते हो, जो कि इस प्रकार है। मैं इस कैलेंडर में एक तीसरे क्रम यानी थर्ड ऑर्डर का अपूर्ण जादुई वर्ग हूँ। मेरी ऊपरी बाएं कोने की संख्या 2 है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं एक अपूर्ण जादुई वर्ग क्यों हूँ? तब एपी कहता है, वर्ग के ऊपरी बाएं कोने की संख्या 2 है। वर्ग तीसरे क्रम का है। इसका अर्थ है कि उसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो पहेली में पूछा गया तीसरे क्रम का अपूर्ण जादुई वर्ग ये है।
इस वर्ग में विकर्ण योग यानी डायगनल सम, मध्य पंक्ति योग यानी मिडल रो सम और मध्य स्तंभ योग यानी मिडल कॉलम सम समान है, इसलिए ये एक जादुई वर्ग है। लेकिन यहाँ तुम देख सकते हो कि पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ का योग समान नहीं है, इसलिए ये एक अपूर्ण जादुई वर्ग है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या एपी ने पहली का बिल्कुल सही उत्तर दिया है? चलिए अब देखते हैं कि एपी सही है या नहीं। एपी का उत्तर सुनने के बाद फ्रूटी कहता है, शानदार एपी, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस तरह के अपूर्ण जादुई वर्ग में वर्ग की केंद्रीय संख्या यानी सेंट्रल नंबर को वर्ग के क्रम यानी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर से गुणा करके जादुई योग यानी मैजिक सम प्राप्त किया जा सकता है? तो चलो अब देखते हैं कि तुम इस पहेली को कैसे हल करते हो। इस कैलेंडर में एक चौथे क्रम यानी फोर्थ ऑर्डर का अपूर्ण जादुई वर्ग है, उसके ऊपरी बाएं कोने की संख्या 3 है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मिनट में ये बता सकते हो कि उसका जादुई योग क्या है? तब एपी कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि वर्ग के ऊपरी बाएं कोने की संख्या 3 है और ये एक चौथे क्रम का वर्ग है, तो पहेली में पूछा गया चौथे क्रम का अधूरा जादुई वर्ग ये है और इसका जादुई योग 60 है। तब फ्रूटी कहता है, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत तेज था। लेकिन रुको, पहले जरा मुझे इसकी जांच करने दो। यहाँ केंद्रीय वर्ग यानी सेंट्रल स्क्वायर का योग भी 60 है और वर्ग के चार कोनों की संख्याओं का योग भी 60 है। यहाँ 4, 5, 25 और 26 का योग भी 60 है और 10, 13, 17 और 20 का योग भी 60 है, इसलिए जादुई योग 60 है। शानदार एपी, बिल्कुल सही, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। लेकिन एपी, ये वर्ग चौथे क्रम का है, इसलिए इसमें कोई केंद्रीय संख्या नहीं है, तो तुमने इतनी जल्दी इसके जादुई योग की गणना कैसे कर ली? तब एपी बोलता है, चौथे क्रम के वर्ग में विपरीत कोनों की संख्याओं यानी नंबर्स इन ऑपोजिट कॉर्नर्स का योग ज्ञात करके और इसे 2 से गुणा करके जादुई योग प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तुम देख सकते हो कि दोनों स्थितियों में हमें 60 मिलता है, जो कि इसका जादुई योग है। तब फ्रूटी कहता है, अरे हाँ, ये तो अद्भुत है। एपी, तुम वाकई बहुत होशियार हो। लेकिन अब मैं तुमसे एक कठिन पहेली पूछूंगा। इस कैलेंडर में एक तीसरे क्रम का अपूर्ण जादुई वर्ग है, जिसके ऊपरी बाएं कोने की संख्या 8 है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मिनट में बता सकते हो कि उसका उच्चतम योग यानी ग्रैंड सम
क्या होगा? इसका उत्तर देते हुए तभी एपी कहता है, उच्चतम योग का अर्थ है सभी संख्याओं का योग। यहाँ वर्ग का क्रम 3 है और उसके ऊपरी बाएं कोने की संख्या 8 है, तो उच्चतम योग 144 होगा। तब फ्रूटी कहता है, रुको, जरा मुझे इसकी जांच करने दो। मेरे द्वारा चयन किया गया वर्ग ये है और इसका उच्चतम योग 144 है। बहुत बढ़िया आपी, वापस से तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा मुझे बताना तो कि तुमने इतनी जल्दी इसकी गणना कैसे कर ली, और वो भी सिर्फ वर्ग के ऊपरी बाएं कोने की संख्या जानकर। तब एपी कहता है, हम जानते हैं कि एक कैलेंडर में बाएं ऊपर से दाएं नीचे तक विकर्णवार अनुक्रम यानी फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम डायगनल वाइज सीक्वेंस में संख्याओं में 8 की वृद्धि होती है। इसलिए मैंने ऊपरी बाएं कोने की संख्या में 8 जोड़ा और वर्ग की केंद्रीय संख्या प्राप्त की जो कि 16 है। फिर मैंने वर्ग की केंद्रीय संख्या को 9 से गुणा किया और उच्चतम योग 144 प्राप्त किया। तो तुमने देखा, ये कितना अद्भुत है ना? चलो इसी के साथ मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। देखो, इस वर्ग में ऊपरी दाएं कोने की संख्या यानी टॉप राइट कॉर्नर नंबर 10 है। हम जानते हैं कि एक कैलेंडर में दाएं ऊपर से बाएं नीचे तक विकर्णवार अनुक्रम यानी फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम डायगनल वाइज सीक्वेंस में संख्याओं में 6 की वृद्धि होती है। इसलिए जब मैं 6 में 10 जोड़ता हूँ तो मुझे केंद्रीय संख्या 16 मिलती है। अब मैं वर्ग की केंद्रीय संख्या को 9 से गुणा कर सकता हूँ और उच्चतम योग ज्ञात कर सकता हूँ। इसका अर्थ है हम वर्ग की केवल ऊपरी बाएं कोने की संख्या या ऊपरी दाएं कोने की संख्या को जानकर तीसरे क्रम के वर्ग का उच्चतम योग ज्ञात कर सकते हैं। ये सुनकर तभी फ्रूटी कहता है, अरे वाह, शानदार। लेकिन अभी भी मेरा एक प्रश्न है, क्या हम एक ट्रिक का उपयोग करके चौथे क्रम के वर्ग का उच्चतम योग ज्ञात कर सकते हैं? तब एपी कहता है, हाँ देखो, ये एक चौथे क्रम का वर्ग है। इसके ऊपरी बाएं कोने की संख्या 1 है। यहाँ उच्चतम योग ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग के निचले दाएं कोने की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। इसके लिए हम 3 बार 8 को 1 में जोड़ेंगे और हमें निचले दाएं कोने की संख्या प्राप्त होगी जो कि 25 है। अब हम 1 और 25 को जोड़ेंगे और इसके योग को 2 से गुणा करेंगे, हमें 52 प्राप्त होगा। फिर हम 52 को 4 से गुणा करेंगे और हमें उच्चतम योग प्राप्त होगा जो कि 208 है। तब फ्रूटी कहता है, अरे रुको एपी, जरा मुझे इसकी जांच करने दो। अरे हाँ,
ये तो वाकई 208 है। शानदार आपी, तुम इस ज्ञान के लिए पुरस्कार के पात्र हो। ये लो सारी कैंडीज। इतना सुनकर तभी आपी कहता है, धन्यवाद फ्रूटी। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप कैलेंडर में अपूर्ण जादुई वर्गों के बारे में समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।